300 साल पुरानी पंचक्की है, देख सकते हैं। तो अभी हम आगे जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हम देख सकते हैं। आई थिंक मछलियाँ भी हैं यहाँ पे, पानी में मछलियाँ भी हैं, स्नैक्स भी मिलता है यहाँ पे। ओके, स्नैक्स भी हम खाएंगे आते समय। औरंगाबाद सिल्क फैब्रिक्स, सो ये शॉप्स हैं, हैंडीक्राफ्ट। यस, फिश हैं, बहुत सारी फिशेस इसमें हैं और इनको फीड किया जा रहा है लोगों के द्वारा। ये आप देख सकते हैं बहुत सारी फिश यहाँ पे हैं पंचक्की। ये काफ़ी बड़ा एक तालाब सा है। बीबी का मकबरा से 2 किलोमीटर और औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर पंचक्की औरंगाबाद के बाबा शाह मुसाफिर दरगाह के परिसर में स्थित एक पानी की चक्की है। इसे नहरे पंचक्की भी कहा जाता है। पंचक्की 17वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में बाबा शाह मुसाफिर द्वारा बनाई गई थी। मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला की तुलना में पानी मील वैज्ञानिक सिद्धांतों पर चलता है। एक झरने से नीचे लाए गए पानी से बिजली उत्पन्न करने के उद्देश्य से स्थापित पंचक्की वाटर मील का उपयोग दरगाह पर आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए अनाज पीसने के लिए किया जाता था। मील को निरंतर पानी की आपूर्ति का स्रोत एक भूमिगत धारा है जो हरसूल नदी के ऊपर एक सहायक नदी के साथ शुरू होती है। साइफन सिस्टम पर आधारित मिट्टी के पाइप से पानी बहता है। पंचक्की जलाशय तक पहुंचने वाले पानी को बिजली बनाने और पंचक्की चलाने के लिए ऊंचाई से गिराया जाता है। अंततः अतिरिक्त पानी खाम नदी में डाल दिया जाता है। टैंक मस्जिद के सामने स्थित है जिसका तल एक विशाल हॉल की छत बनाता है। पंचक्की उन कुछ स्थानों में से एक है जो औरंगाबाद में शांत है, जो भारत में मध्ययुगीन काल के दौरान मौजूद जीवन की कल्पना करने में मदद करता है। पंचक्की में बाबा शाह मुसाफिर का मकबरा भी है जो सूफी संत थे और औरंगजेब के आध्यात्मिक सलाहकार थे। एक विशाल बरगद का पेड़ है। ये पंचक्की भी आप बनावट देख सकते हैं, ऊपर मुगलों के समय का है और ये बरगद का पेड़ भी उसी समय से है। ऊपर से दिखा ये पूरा पेड़, इतना विशाल पेड़, काफी पुराना और ऐतिहासिक ये पेड़। पंचक्की से आ गए हैं अभी, छोटू कोल्हापुरी के पास हम लोग हैं और यहाँ पे हम लोग वड़ा पाव खा रहे हैं। यहाँ काफ़ी रश होता है तो हमें 5 मिनट वेट करना पड़ा अपने वड़ा पाव के लिए, तो हम लोग इसको खा रहे हैं। एवरीवन, आप देख सकते हैं हम लोग कितने एग्जॉस्टेड हैं। हम लोग आज, जैसा कि आप सभी को पता है, पंचक्की गए और उसके बाद मार्केट में जा कर के हमने वड़ा पाव खाया। सो फाइनली वी हैव रीच्ड टू द रूम, मनीषा का रूम है, वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। तो हम लोग रेस्ट करेंगे और जल्दी वीडियो एडिट करके आप लोगों को भी हम लोग भेजेंगे। ओके।